और मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स डाउनलोड डाउनलोडमी लर्निंग एप सब्सक्राइब इधर अपॉन द प्लस और द आपको प्लस और आइकनिक पे मल्टीपल एडवांटेजेस और साथ में एक नया सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन है लाइट फेब तक इसका ऑफर चल रहा है सिक्स मंथ सब्सक्रिप्शन ओनली एट थ्री थाउजेंड्रेड रुपीज एंड

and uh, on plus it's flat 5000 rupees off on uh, a plus combo pack iconic my personal coach live mentorship means question answer practice study planner open house with educators yeah multiple advantages and you can see the uh, prices one two three year of plus and iconic use a referral code anurag to get a 10% off and flat av extra 10000 off on iconic combo pack एंड ऑल्सो फ्लैट डिस्काउंट ऑन प्लस कॉम्बो पैक यहाँ पे एंड देर आर स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज एंड फ्री मेगा टेस्ट सीरीज फॉर यू पी एस सी सी एस सी फॉर एवरी वन अपॉन दिन अकेडमी पार्टिसिपेट एंड सी योर प्रिपरेशन एंड ये देखिए फेब ट्वेंटी थ्री से भी नए बैचेज शुरू हो रहे हैं दो हजार बाईस और तेईस के लिए एंड दिस इज माई प्रोफाइल लिंक अपॉन अन अकेडमी अनुराग आई एम एस सर्च कीजिए एंड फॉलो कीजिए और uh, चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन की तरफ आज तीन तीन सेशन से अन अकेडमी ऐप पर मैं ले रहा हूँ एक सी सेट का सेशन है सी सेट में वी आर सीइंग क्वान्टिटेटिव एबिलिटी तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स देख रहे हैं हम लोग और पिछले साल दो हजार इक्कीस के क्वेश्चन पेपर को भी देख रहे हैं जरूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा सेवन थर्टी फ्री क्लास है सी का ये देखिए इतना ही नहीं स्टूडेंट्स दिस अपार्ट फ्रॉम दिस इन द इवनिंग क्लास ऑन इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोडक्शन पे क्लास है अन अकेडमी ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास है और अभी एडिटोरियल सेशन भी सवा नौ बजे एडिटोरियल सेशन इज अपन द अनअकेडमी ऐप फ्री स्पेशल क्लास तो चलिए आगे बढ़ते हैं तेईस फरवरी है आज और हर करंट अफेयर्स न्यूज़ को हम दो परस्पेक्टिव से देखते हैं स्टूडेंट्स पहला डी कोड इंटरलिंक अप्रोच आपको भी पता है डी कोड द न्यूज़ इंटरलिंक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिलेबस एंड 10 एंड ट्वेंटी वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं ताकि आप आंसर राइटिंग में उसको एड करके वैल्यू एडिशन कर सकिए ठीक है एंड वैल्यू एडिशन एनश्योर्स दैट यू गेट प्लस वन और प्लस टू मार्क्स इन द दिस इन द आंसर्स रिटर्न इन द मेन्स पेपर ठीक है एंड सेकेंड थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच मीन्स बैकग्राउंड चेक करना है उस न्यूज का प्रिलिम्स के लिए क्योंकि इन डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिलिम्स में पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए तो लेट्स प्रोसीड है एट एस स्टूडेंट टेक आउट जी एस पेपर वन टू थ्री फोर मेन सिलेबस टेक आउट न्यूज नोटबुक एंड टेक आउट थ्री फोर कलर पेन्स एंड लेट्स टेक ऑफ इन सेशन तो सबसे पहले सबसे पहले पिछले दिन यानी बाईस फरवरी के न्यूज़ का सिनॉपसिस देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे हैव लुक मैंने एक दो ग्रुप पे पोस्ट किया था कल पीडीएफ और आई फॉरगॉट ऑन टू अदर ग्रुप्स ठीक है सो आई पोस्ट इट टूडे तो सबसे पहला न्यूज़ था कल स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड ऑफ विद फंडामेंटल ड्यूटीज पे पिटिशन पे गया है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या फंडामेंटल ड्यूटीज ये देखिए यहाँ पे इस पे पिटिशन पे गया है क्या इसको एनफोर्सिएबल किया जाना चाहिए कि नहीं एनफोर्सिएबल का मतलब होता है दैट शुड इट बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी वन टू फॉलो और नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रिलिम्स में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं मैंने कल बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज में मैंने एक पी अटैच किया था प्लीज गो थ्रू दैट पी जिसमें बोल्ड से मार्क किया गया रेड पेन से मार्क किया गया है याद रखिएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स बहुत डिस्कशन चल रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज का देर शुड बी अ फाइन बैलेंस एंड राइट अगर दिए जा रहे हैं तो ड्यूटीज शुड भी देर तो मैं बता दूं इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दैट फंडामेंटल ड्यूटीज ध्यान दीजिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सप्लिसिटली फॉलो हो रहा है या नहीं लेकिन देर आर ड्यूटीज देर आर ड्यूटीज मैंशन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर बींग फॉलोड एग्जाम्पल आर्टिकल नाइनटीन टू थ्री फोर फाइव आपने देखा होगा आर्टिकल नाइनटीन में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं दे आर इन फैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली ये देखिए वो रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके बोलने पे, आपके आपके मींस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दे आर रेस्ट्रिक्शंस की, इसके आगे नहीं जाना है इसके आगे नहीं बोलना है इस पर नहीं, नहीं, नहीं बोलना है ऐसा काम नहीं करना है दे आर जस्ट ड्यूटीज तो ऐसे ही करके ड्यूटीज़ बहुत सारी जगहों पे इसके अलावा आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आप देखिएगा आर्टिकल 15 क्लॉज 2 दिस पब्लिक प्लेस पे इक्वल एक्सेस ठीक है वहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि दिस प्राइवेट पर्सन से भी एक्सपेक्टेड है अपार्ट मींस अपार्ट फ्रॉम द स्टेट दैट दे शुड अलाउ द इक्वल एक्सेस ऑफ वेल्स पब्लिक प्लेसेज एंड रेस्टोरेंट्स जो भी हैं ठीक है सो इन शॉर्ट कहने का मतलब है ड्यूटीज़ आर मैंशनड

एंड आर ड्यूटी इज बींग फॉलोड इन द कंट्री येस आपका यही आंसर रहेगा हां सर बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है और आप एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा मीन में यहां से क्वेश्चन बी रेडी फॉर इट नेक्स्ट ये फंडामेंटल ड्यूटीज कब एड किए गए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से एड किए गए मीन्स कौन से कंट्री से लिए गए हैं तो लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में मैंने कल पढ़ाया था एंड प्रोसीड हेड नेक्स्ट कल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ

पॉलिटिक काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर प्रीलिम्स में सवाल निकल सकता है आया हुआ पहले एक बार सवाल लेकिन इट कैन कम अप कब किया किया गया Public, किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है क्या और इसके एम्स क्या है देख लीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस वी शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया चाइना प्रॉब्लम्स ठीक है हम लोग आगे शिफ्ट किए थर्ड न्यूज था कल ऑस्ट्रेलिया चाइना प्रॉब्लम्स कल मैप में कुछ लोकेशंस मालूम चल गया चाइना के शिप के कारण टोरीज स्ट्रेट कहां है गल्फ ऑफ कार्पेंट एरिया कहां है आरा फोरासी का है क्या टोरीज स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट देख लीजिएगा क्योंकि यहीं पर एक इंसिडेंट हुआ है वॉट इज द इंसिडेंट लेजर बीम लेजर बीम एक चाइना के शिप से निकलकर एक ऑस्ट्रेलिया के जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर डाला गया है एंड दिस लेजर बीम जब चाइना के शिप पुट कर रही थी इट वाज इनसाइड ऑस्ट्रेलियन वाटर्स सो दैट्स इट ये देखिए ऑस्ट्रेलिया so, चाइना ये मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टोरीज स्ट्रीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीन्स में यू कैन लिंक दिस न्यूज इन दिस कोल्ड वॉर कंफ्लिक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ें या इंडो पैसिफिक कंफ्लिक्ट नेक्स्ट इंडिया फ्रांस अडॉप्ट ब्लू इकोनॉमी प्लान इंडिया फ्रांस रिलेशन में एड कर लीजिएगा ब्लू इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या 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 कॉम्पोनेट्स हैं लिखे हुए उस पी डी एफ में ब्लू uh, इकोनॉमी ये देखिए सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशनिक रिसोर्सेस और उसमें क्या क्या आएगा वर्ल्ड बैंक का मैंने पीडीएफ अटैच किया था देख लीजिएगा नेक्स्ट दिस रशिया का तो न्यूज आज फिर से पढ़ने वाले हैं रिपीट है आज रिपीट टेलीकास्ट है लेकिन विद सम एडिशंस एंड देन वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज फ्रैकिंग फ्रैकिंग का मतलब क्या होता है एंड शेल शेल ऑयल एंड शेल गैस का मतलब क्या होता है फ्रैकिंग यहां से इंपॉर्टेंट टर्म है प्रियम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

ये दोनों आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ब्लॉक चेन को लेकर नॉन फंजिबल टोकन का डेफिनेशन है देख नेक्स्ट वी वेंट ऑन टू सी लास्ट पॉइंट हम लोगों ने uh, ये कैलिब्रेशन ऑफ एफ आज भी वो टॉपिक है हम देखेंगे चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आगे यानी कल के न्यूज में से प्रेम्स के लिए फ्रैकिंग क्या है इंपॉर्टेंट ब्लू इकोनॉमी क्या है इंपॉर्टेंट टोरीज स्ट्रेट कहां पे इंपॉर्टेंट यस आई रिपीट टोरीज स्ट्रेट ब्लू इकोनॉमी फ्रैकिंग एंड वॉट इज पिशिंग एंड वॉट इज नॉन फंजीबल टोकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके अलावा दिस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑर्डर में याद रखिए बस चलिए बढ़ चलते हैं सबसे पहले आज के लिए जी एस पेपर वन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशंट एंड मिडिबल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से न्यूज चल रहा है एक uh, ये न्यूज डे बिफोर या स्टर्डे का ही आई कुड नॉट डिस्कस इन बिटवीन बट आई डिस्कस इट टूडे बहुत सिंपल न्यूज है लेकिन इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है वॉल्स गेट अ सॉफ्ट टच विथ पशमीना श्रीनगर बॉन्ड डिजाइनर जुबैर किरमानी रिपर्पसिंग द शॉल्स एज वॉल हैंगिंग्स ये देखिए तो पशमीना या चंग थंगी गोट क्या ये पता है आपको पशमीना गोट या चंग थंगी गोट वेरी कॉमन इन लद्दाख वेरी कॉमन इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्वियर रिजर्व ये देखिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फेर रिजर्व वेरी कॉमन इन लद्दाख पार्ट ऑफ ट्राइबल्स जो ट्राइबल्स वहाँ रहते हैं द गो फॉर द मीन्स कीपिंग ऑफ द गोट एनिमल हजबेंड्री और यही पशमीना गोट की पशमीना गोट से उल से बनी हुई शॉल एंड उल एन गारमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द शॉल्स मेड फ्रॉम पशमीना गोट उल इज वेरी वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मैं बता दू स्टूडेंट्स दैट इसी को लेकर एक न्यूज आया है अब देखिए ये जो इंडिविजुअल है ही मेकिंग वॉल हैंगिंग्स और उसमें कुछ डेकोरेटिव ज्योमेट्रिक पैटर्न है पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम उस पैटर्न का हमें देखना पड़ेगा तो फॉर सेंचुरीज़ कश्मीर एक्सपेंसिव बट एक्वेजिट एंड एंट्रिकेटली वोमेन पश्मीना शॉल्स पार्टी वेयर और रेयर कलेक्शन इन द रोब्स ऑफ द एलिट पटनाओ द पशमीना अल्ट्रा फाइन पश्मीना शॉल्स के अलावा दिस पर्सन इज गोइंगे देखिए रीन हॉल मार्क ज्योमेट्रिकल वर्क इन इन्फ्लुंस बाई खत्म बंद अ डेकोरेटिव ज्योमेट्रिकल वुड वर्क पैटर्न ये देखिए खत्म बंद पैटर्न ये देखिए स्टूडेंट यही होता है दिस दे आर देखिए ये सीलिंग्स पे सीलिंग्स पे ये लगाया जाता है कश्मीर में ये वॉट इज दिस खत्म बंद पैटर्न क्या है मैं बता दूं इट इज यूज इट्स अ वुड वर्क पैटर्न यूज ऑन द सीलिंग्स ऑफ द हाउसेस सीलिंग में ठीक है लगाया जाता है हैव अ लुक गोइंग बैक टू द रूट्स ऑफ द क्राफ्ट कॉल्ड खत्म बंद द लिटरल मीनिंग ऑफ विच इज पॉलीगन पॉलीगन ये देखिए ठीक है शेप देखिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न कंबाइंड टूगेदर विद द हेल्प ऑफ वुडन बीड्स ये देखिए वुडन बीड से कंबाइंड इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग सीलिंग ठीक है यस ऑफ द हाउसेस बनाना है पुटिंग टूगेदर वॉलनट और देवदर वुड पीसेस इनटू जोमेट्रिकल पैटर्न क्या ये याद रहेगा स्टूडेंट्स में इसी खत्म बंद पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है कहां पे ये वॉल हैंगिंग में ये इंडिविजुअल कर रहे हैं सवाल सिंपल यहां से निकल सकता है खत्म बंद पैटर्न का मतलब क्या है ये कौन से आ, इंडिया के रीजन का ये आर्ट है आपको ये याद रखना पड़ेगा क्लियर है स्टूडेंट्स मुझे बताइए क्या इज दिस क्लियर खत्म बंद पैटर्न इंपॉर्टेंट फ्रॉम चलिए आगे बढ़ जाए ठीक है सो दिस इज आर्ट पैटर्न एंड चंग थंगी गोट या पश्मीना गोट तो आपको पता ही है यहां पे इट्स वेरी कॉमन इन लद्दाख एंड कोल्ड डेजर्ट रिजर्व चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ ठीक है एंड ये देखिए लिखा हुआ है खत्म बंद पैटर्न कब शुरू किया गया 1541 में कश्मीर में इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये इंपॉर्टेंट है कश्मीर का है ये और ये इसमें सीलिंग्स डेकोरेट की जाती है देखिए सेकंड न्यूज आज का आर्ट एंड कल्चर से ही ठीक आर्ट एंड कल्चर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर एक ही जगह हम लोग पढ़ते हैं सो चिनार्स रिटर्न टू आइकनिक चार चिनारी आईलैंड ऑन दल लेक ये देखिए तो दल लेक दिस जहां पे चिनार चिनार ट्री बहुत कॉमन थे ये देखिए चिनार ट्री का लेकिन तो दल लेक के अंदर दल लेक इज अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट एंड इसके अंदर बहुत सारे आईलैंड देखिए इंक्लूड थ्री आइलैंड टू ऑफ विच वर आर मार्क्ड विध ब्यूटिफुल ट्रीज ये देखिए तो उसमें एक आईलैंड है चार चिनार या चार चिनारी ये देखिए या रोपा लंक ये देखिए सो so, चिनार ट्रीज बहुत कॉमन थी यहां पे सब खत्म हो गई बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ठीक है और ये चिनार ट्रीज हैं कहां पे होती हैं देखिए चिनार ट्रीज आर दे आर अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्टर्न हिमालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर बोटेनिकल नेम इज प्लेटानस ओरिएंटालिस नाम इंपॉर्टेंट नहीं है उतना तो बोटानिकल नेम ठीक है लेकिन दे हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कश्मीरी ट्रेडिशन इसी वजह से कश्मीर के हर गांव में एक चिनार ट्री मिलता है देखिए लिखा हुआ है इन दैट अ चिनार ट्री इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज इन कश्मीर बिकॉज बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कश्मीरी ट्रेडिशन दीज ट्रीज चिनार इज बेसिकली अ लॉन्ग लिविंग ट्री इट स्प्रेड्स वाइड अक्रॉस अ रीजन ऑफ कूल क्लाइमेट विथ सफिशियंट वाटर कूल क्लाइमेट सफिशियंट वाटर चिनार ट्री का ग्रोथ के लिए सफिशियंट एंड इट्स लीव्स एंड बार कर यूज एज मेडिसिन आप देख सकते हैं एंड डेलीकेट फर्नीचर के लिए भी इस्तेमाल होता है एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये चार चिनार आइलैंड दल लेक में लोकेटेड एंड uh, यहीं पे इस, इस अब वापस चिना ट्रीज वहां प्लांट किए जा रहे हैं क्योंकि डिसअपियर कर गए थे

तो प्रिलियम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिनार ट्रीज कहां ग्रो करते हैं वाई दे आर फाउंड इन कश्मीर एंड दिस उनके लिए क्या आ, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए कुल क्लाइमेट सफिशियंट वाटर दैट्स इट आउट है तो प्रलिम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स जीएस पेपर वन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज में कोई न्यूज नहीं है अभी हम लोग क्या देखा हम लोगों ने खत्म बंद पैटर्न देखा कश्मीर का हम लोगों ने कश्मीर का ही चार चिनारी आइलैंड देखा दल लेक के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स जीएस पेपर टू थ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी से पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर पैनल ऑन ए एफ एस पी रिमूवल फ्रॉम नागालैंड मिसेज इट्स डेडलाइन आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट तो दिस अभी जो अभी जो बॉस्टअप ऑपरेशन हुआ था आर्मी का मोन डिस्ट्रिक्ट में ना एंड नागालैंड में और उसके बाद उसके बाद फोर्टी फाइव डेज का टाइम लाइन दे एक कमिटी सेटअप की गई थी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रिमूव किया जाए या रहा रखा जाए वहाँ पर उसने अपना डेडलाइन मिस कर दिया दैट मीन्स फोर्टी डेज क्रॉस हो गया लेकिन द रिपोर्ट इज येट टू बी सबमिटेड सो वॉट इज सो वॉट इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हम लोगों ने देखा था इट ग्रांट स्पेशल पावर्स टू आर्म्ड फोर्सेज इन डिस्टर्ब एरियाज ये देखिए इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड इन नागालैंड ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है नागालैंड में शुरू किया गया था नागा हिल्स में नाइनटीन फिफ्टी एट में इट ग्रेजुअली स्प्रेड टू इट ग्रेजुअली स्प्रेड टू सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हर जगह अप्लाई कर दिया गया पंजाब में भी अप्लाई किया गया पंजाब एंड चंडीगढ़ एटी थ्री से नाइन्टी सेवन तक एंड जम्मू एंड कश्मीर में 1990 से ये आज तक चल रहा है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एंड स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इन क्विट इंडिया मूवमेंट एज यू कैन सी इसमें स्पेशल पावर्स टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल दिया जाता है पहला पॉइंट द आर्म्ड फोर्सेज कैन अरेस्ट एनी वन विदाउट अ वॉरेंट ये देखिए दे कैन स्टॉप एंड सर्च एनी वेहीकल ऑन सस्पेशन

तो आप बताइए स्टूडेंट्स क्या ए एफ एस पी ए एक तरीके से बहुत ज्यादा पावर्स देता है आर्म्ड फोर्सेस को यस yes. इसीलिए बार बार कंट्रोवर्सी में आता है बिकॉज ऑफ सडन बॉस्ट अप आर्मी ऑपरेशंस हैपनिंग अक्रॉस इट इज नीडेड नो डाउट इट्स नीडेड बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी इज अ बिग बिग इश्यू बट बट बीच बीच में जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं अगर कोई मींस uh, अगर एक कोई दो या तीन या एक सिंगल बेगुनाह भी मारा जाता है तो चिंता की बात रहती है दैट कैन बी डिक्लेयर्ड इधर बाय द सेंट्रल और बाय द स्टेट गवर्नमेंट इफ इन देयर व्यू एनी एरिया हैज बिकम डिस्टर्ब ये देखिए डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का पावर सेंटर के पास भी है स्टेट के पास भी है ये देखिए कॉन्ट्रोवर्सी मैनी केसेस ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज रिपोर्टेड ठीक है दिस uh, एंड uh, uh, अभी जो बॉस्ट ऑफ आर्मी ऑपरेशन हुआ नागालैंड में उसके पहले हर दो तीन साल पे कुछ ऐसे कुछ ऐसे और ऑपरेशन होते हैं या एक दो लोग मारे जाते हैं जिसके कारण बार बार डिस्कशन होता है दैट इसको हटाया जाए एंड अ वेरी फेमस एक्टिविस्ट फ्रॉम द रीजन आयरन चानू शर्मिला शी वेंट ऑन अ फास्ट एंड टू डेथ स्ट्राइक फॉर रिपील ऑफ ए एफ एस पी ए रिपील ऑफ ए एफ एस पी ए अब <laughs> बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स रिपील ऑफ ए एफ एस पी ए के लिए शी वेंट ऑन अ फास्ट एंड टू डेथ स्ट्राइक फ्रॉम टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फिफ्टीन आप सारी कैसे जिंदा रही इनको फूड पाइप से दिया जाता था खाना अदरवाइज शी वॉज ऑन अ फास्ट एंड टू डेथ स्ट्राइक तो ये देखिए यहां से ए एफ एस पी ए के क्या क्या फीचर्स है सवाल निकल सकता है रेडी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स ठीक है एट प्रेजेंट कौन कौन से राज्यों में है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देख लीजिएगा ठीक है मीन इन विच स्टेट इज इट नाउ इन फोर्स देख लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स दिस वॉज अ टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ठीक है एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन जी एस पेपर टू से बहुत ज्यादा न्यूज है एक ही न्यूज बार बार रशिया फेसेस सैक्शन आफ्टर प्यूटिन मूव यूएस टर्म्स रशिया ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट इन ईस्टर्न यूक्रेन इन्वेजन वेस्ट टू अनाउंस न्यू सेंक्शन रशिया फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ हार्श न्यू वेस्टर्न सेंक्शन ऑन ट्यूजडे आफ्टर प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन रिकग्नाइज टू ब्रेक अवे रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन एंड ऑर्डर द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्सिंग वेस्टर्न फेयर ऑफ अजर वॉर इन यूरोप ये देख सकते हैं आप ये है वो ब्रेक अवे रीजन आप देख सकते हैं जॉनबास या डोनेट्स एंड लुहांस या लुबान्स का रीजन ये देखिए मैंने कल भी बताया था आपको स्टूडेंट्स ये आज के इंडियन एक्सप्रेस का इमेज है, आप देख सकते हैं एंड यू कैन सी आउट हेयर सब सारे कंट्रीज की तरफ से आया रेस्पॉन्स क्या किया जाना चाहिए क्या किया जाना चाहिए ठीक है उसमें रशिया के पार्लियामेंट रेटिफाइड ट्रीटीज विदू सेपरेट रीजन ऑन ट्यूज ये देखिए रशिया ने रेटिफाई किया ट्रीटी ठीक है रशिया ने रिकोगशन दे दिया फॉर्मल कि ये दोनों इंडिपेंडेंट देश हैं ये देखिए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी चाइना वॉक्स ऑन यूक्रेन क्राइसिस बीजिंग मॉस्को सिक्योरिटी बट ऑल्सो कॉल्ड फॉर की क्योंकि रशिया के इस एक्शन से अगर रशिया के इस एक्शन पर अगर सपोर्ट ब्लाइंड सपोर्ट दिया जाएगा देन मल्टीपल कंट्रीज विल कम आउट विथ सेंशन ओवर बोध कंट्रीज ये देखिए बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स सो चाइनाज फॉरन मिनिस्टर इन अ फोन कॉल ये देखिए द पर्सन विद्रेशन फेस इन अ फोन कॉल विद यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ऑन नॉर क्रिटिसाइज ये देखिए मिडिल पाथ इसने ले लिया ये देखिए उधर इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया इंडिया अपील फॉर अट मोस्ट रेस्टेंट ऑन यूक्रेन क्राइसिस बिकॉज इंडिया पे बहुत प्रकाशन पड़ेगा इस इन्वेजन का इन्वेशन का रिपरकशन डायरेक्ट पड़े ना पड़े इनडायरेक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली इट विल गिव चाइना मीन्स चाइना ऐसे ही एग्रेशन पे है दिस ऑन इंडियाज बॉर्डर्स एंड दिस टाइप ऑफ एक्शंस टेकन बाई रशिया रशिया का ये एक्शन बिल्कुल भी सही और वाजिब नहीं है किसी और देश के इंटरनल मैटर्स में uh, in, uh, क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट पैदा करके और इंटरवीन करके और वहां से अलग करना दो देशों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहां पे ये देखिए सो दिस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने अपील किया है कि यूक्रेन क्राइसिस पे बहुत मीन्स इट इज कॉशियस अप्रोच एवरी शुड टेक एंड रशिया को लेकर इंडिया शांत हो गया अभी तक रशिया के बारे में इंडिया कुछ गलत नहीं कह रहा था सही भी नहीं कह रहा था गलत भी नहीं कह रहा था लेकिन अब मीन्स इंडिया वॉज टेकिंग बट नाउ इंडिया इज इंडिया चुप हो गया है

लेकिन उधर जर्मनी की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइपलाइन सस्पेंड कर दिया ये देखिए नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइपलाइन जर्मनी ने सस्पेंड कर दिया है सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे बहुत बड़े रिप्रकॉशंस मैं बता दूं आपको एंड एक बड़ा रिपरकशन इसका आएगा नेचुरल गैस के प्राइसेस शूट अप करने वाले हैं विश्व में आप देखिएगा बहुत इन्फ्लेशन आने वाला है क्रूड ऑयल में एंड नेचुरल गैस प्राइसेज में एंड साथ में साथ में शेयर मार्केट पर लगातार चलेगा भी देखिएगा सो दिस इज इट यू कैन सी टेयर नॉट सीम टू पाइपलाइन हैज बीन सस्पेंडेड बाय जर्मनी एंड विल लीड टू यूरोप यूरोप गेटिंग शॉर्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ नेचुरल गैस एंड विल सी हाइक इन नेचुरल गैस दिस प्राइसेस अब नेचुरल गैस प्राइसेस में हाइक होगा कहीं यूरोप वापसी मत कर बैठे कोयले की तरफ बहुत चिंता की बात है सब कुछ इंटरलिंक्ड है देखिए यहां पे सब कुछ इंटरलिंक्ड है यहां पे मीन्स रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक और लु, लु, लुबानोनेट्स रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित करना इसका असर यूरोप में नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइपलाइन बंद नेचुरल गैस प्राइसेस शूट हाई उसका ऑर्डोनेट कोयला हो सकता है इस्तेमाल करना फिर शुरू किया जाए उसका एंड रिजल्ट ग्लासगो समिट में जितने प्रोमिसज किए गए सब होल्ड पर रख दिए जाएंगे अब ध्यान दीजिए इस पर

ऑर्गेनाइजेशंस फेल कर गए इस जगह पे ग्लोबल गवर्नेंस फेल कर गया ऐसा ही ग्लोबल गवर्नेंस फेल किया था जब इराक पे अटैक किया था यूएस ने ये देखिए 2003 की बात ऐसा ही ग्लोबल गवर्नेंस फेल किया जब सीरिया पे अटैक किया सब ने यूएस ने रशिया ने ये देखिए फ्रांस ने इसलिए कि वहां पे इस्लामिक स्टेट फल फूल रहा था ये देखिए <laughs> दिस uh, uh, साथ में इसके बाद यूक्रेन पे पहले ही अटैक कर चुका है रशिया एक बात ध्यान दीजिएगा रशिया ऑलरेडी अटैक्ट यूक्रेन इन टू uh, एंड क्रीमिया अलग कर चुका है ये देखिए बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिसीजन टू तो रिकॉग्नाइज द सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेट्स एंड लो लोहानस रिपब्लिक्स प्रैक्टिकली ब्रॉड द मिन्स पीस प्रोसेस टू एन एंड वट इज दिंस पीस प्रोसेस ये देखिए मिन्स किसका कैपिटल बताइए स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में हम लोगों ने देखा हुआ है ये देश हमेशा न्यूज में रहता है मिन्स किसका कैपिटल है देखिए द मिस्क वन एंड टू अकॉर्ड्स रीज इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड फिफ्टीन हेट ब्रॉडियस सीज फायर बिटवीन रशिया बैक ट्रिबेल्स इन यूक्रेन डॉनबास कंप्राइजिंग डोनेट्स एंड लुहांस रीजन ये देखिए तो पीस प्रोसेस 2014 में ही चालू किया गया था क्योंकि क्रीमिया के अलावा डोनेट्स को भी अलग करने की कोशिश उस समय थी ये देखिए एंड दिस सिग्निफाइज दैट दिस सिग्निफाइज दैट मिन्स प्रोसेस हैज बीन शैटर्ड रशिया इज नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द मिन्स पीस प्रोसेस एंड ऑल दैट यूक्रेन का इसमें कोई गलती नहीं है ऑल बिकॉज नेटो इज एक्सपेंडिंग रशिया ने यह यूक्रेन को कर दिखाया कि नेटो एक्सपेंड करेगा तुम मरोगे यहां पे दैट्स इट यस मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो डॉन डॉनबास रीजन देखिए डोनेट्स में ही डॉनबास भी आता है एंड लुहान्स रीजन आता है ये दोनों कंबाइन ठीक है लुबान्स रीजन ये दोनों रीजंस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं 2014 से और अब जाकर अलग हो ही गए यहां पे ये देखिए मिन्स अकाउड आ सकता है crisis, अब आप देखिएगा सर नेचुरल गैस प्राइसेस कैसे हाई होंगे ये नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइपलाइन तो सर ऑपरेशनल हुआ नहीं है तो, सर कैसे हाई हो जाएगा आप बताइए स्टूडेंट्स कितनी बार कितनी बार डोंट यू थिंक दैट नेचुरल गैस आना शुरू नहीं हुआ है बट डोंट यू थिंक देर इज समिंग कॉल्ड एज दैट एक्सपेक्टेशंस कि अब आना शुरू होगा प्लान बन गया है सब कुछ ठीक हो गया है तो टेल मी वन थिंग क्या इसके कारण इसके कारण क्या आप जो आपका मार्केट होता है एक्सपेक्ट करता है कि प्राइसेस कम होंगे लेकिन हुआ क्या नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइपलाइन बंद कर दिया मीन्स जर्मनी ने कहा कि हम लेंगे ही नहीं नेचुरल गैस क्या इसका असर रशिया की तरफ से नॉर्थ स्ट्रीम वन पे पड़ेगा मुझे बताइए बिल्कुल पड़ेगा जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द कंफ्लिक्ट हो सकता है नेचुरल गैस सप्लाई जितना चल रहा हो कम कर दे रशिया क्योंकि अब अब कोल्ड वॉर छिड़ गया है एंड जर्मनी ने एक तरह से सैंक्शन लगा दिया एक तरीके से ध्यान दीजिएगा जर्मनी ने सैंक्शन लगा दिया एक तरीके से नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइपलाइन बंद रहेगा मैं नहीं लूंगा नेचुरल गैस नॉर्थ स्ट्रीम टू से ये जर्मनी ने अपनी तरफ से रिटालियट किया है और इसका एंड रिजल्ट रशिया कहेगा मैं नॉर्थ स्ट्रीम वन भी नहीं दूंगा आपको डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स इज इट्स जस्ट गोइंग टू दिस कंफ्लिक्ट अब ये दोनों आपस में कंफ्लिक्ट करेंगे और यहाँ इंडिया में नेचुरल गैस प्राइसिस एंड क्रूड ऑयल अरे और राइज कर रहा है और राइस कर रहा है और उसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर यस इट्स गोइंग टू हैपन लेट सी द इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी ये देखिए दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए लिखा हुआ क्रूड ऑयल की रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियां ये देखिए एंड हायर ऑयल प्राइसेस कैन हिट द इंडियन इकोनॉमी ऑयल प्राइसेसार्ट अब हंड्रेड डॉलर पर बैरल ये चार महीने में सारे रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस एक बैरल में वन फिफ्टी नाइन लीटर ये देखिए स्टूडेंट क्रूड ऑयल और सबसे बड़ी बात ये देखिए जो ब्रेंट क्रूड है ब्रेंट क्रूड में बता दूं स्टूडेंट्स ब्रेंट क्रूड इज फाउंड is extracted फ्रॉम ब्रेंट Islands नॉर्थ सी ब्रेंट Islands नॉर्थ सी बेल्ट इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में ये देखिए जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्रूड्स हैं उसका दाम ऑलरेडी हंड्रेड डॉलर पर बैरल क्रॉस कर गया है और समझ सकते हैं आप दिसंबर एक को इसका दाम था सेवेंटी डॉलर पर बैरल थर्टी डॉलर क्रॉस किया है पर बैरल यू कैन इमेजिन फिफ्टी परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस इन जस्ट टू मंथ हाफ मंथ्स अब उसका असर ये पड़ेगा दैट पूरे विश्व की जितनी भी वराइटीज ऑफ क्रूड है ब्रेंड क्रूड के अलावा दुबई क्रूड है जो इंडिया लेता है मैं बता दू आपको दुबई क्रूड इंडिया दिस इंडिया, इंडिया परचेजेज ठीक है इसके अलावा द वेस्ट टेक्साज इंटरमीडिएट फ्रॉम यूएसए सुना है आपने इसके बारे में चर्मी ठीक है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट हैव यू हर्ड ऑफ इट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हाट इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट सो यूएस से भी क्रूड हम लोग मंगाते हैं यूएई uh, ए से भी मंगाते हैं ओपेक से भी मंगाते हैं एंड एंड रिजल्ट यही होगा दैट दुबई क्रूड ओमान क्रूड यस ओमान क्रूड आल्सो इंडिया परचेजेज ये देखिए एंड सबसे बड़ी बात रशिया इज द रशिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस तो देखिए जब भी वॉर छिड़ता है ना इन दोनों चीजों पे असर पड़ेगा तो आइए देखते हैं वाई द क्रूड प्राइसेस जम्प द स्पाइक हैज ड्रिवन द स्पाइक हैज बिन ड्रिवन प्राइमरली बाई फियर्स ऑफ सप्लाई साइड सप्लाई साइड डिसरप्शन एज द थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेशन इन यूक्रेन लूम्स लार्ज अभी रशिया उसका यूक्रेन को इन्वेट भी कर दे ये भी कहा जा रहा है एन इन्वेशन कुड ऑल्सो लीड टू सैक्शन बाई द यूएस एंड यूरोप रशिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये देखिए

अब इंडिया के लिए परेशानी क्या आइए देखते हैं इंडिया के लिए क्या क्यों परेशानी है टू मिनट्स मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको इस जगह पे ये देखिए वाई इज देयर अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस ये देखिए राइजिंग क्रूड प्राइसेस नोट जरूर कीजिएगा इज इट बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन यस ये देखिए सप्लाई चेन डिसरप्शन तो क्या सप्लाई फॉल करेगा शॉर्ट सप्लाई इज शॉर्ट लेकिन क्या डिमांड राइज कर रहा है स्टूडेंट्स टेल मी क्या डिमांड राइज कर रहा है बिकॉज लॉकडाउन ये देखिए इकोनॉमी इज़ ओपनिंग अप लॉकडाउन रिमूव्ड इकोनॉमी फुल्ली अप ठीक है अब बताइए स्टूडेंट्स सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड सप्लाई साइड डिमांड साइड देखिए यहां पे डिमांड इज राइजिंग लाइक एनीथिंग सप्लाई इज गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग और इसका एंड रिजल्ट पहला पॉइंट क्या इंडिया का फॉरेक्स पे असर पड़ेगा फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी रिजर्व यस क्या वो ड्रेन होगा फॉरेक्स ड्रेन ये देखिए सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स क्या इसका असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा इन्फ्लेशन अक्रॉस अक्रॉस ऑल गुड्स यही लिखा हुआ है इस आर्टिकल में देखिए इन्फ्लेशन किस चीज पे ध्यान दीजिएगा इट्स गोइंग टू इंपैक्ट द होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बाय 1% परसेंट एक परसेंट WPI बढ़ जाएगा क्यों बढ़ेगा ध्यान दीजिएगा वाई WPI बढ़ेगा इन्फ्लेशन 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 इंडेक्स जो है डब्ल्यू पी आई क्यों बढ़ेगा राइज इन क्रूड प्राइस पोज इस फिजिकल एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क क्रूड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट है डायरेक्ट शेयर ऑफ नाइन इन द डब्ल्यू बास्केट ये देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट में नाइन परसेंट शेयर है दिस क्रूड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इसका साफ मतलब डब्ल्यू में वन परसेंट राइज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज इतना ही नहीं स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज इट गोइंग टू इंपैक्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो यस फर्टिलाइजर्स ये देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर अलग से फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे महंगे और उसका असर पड़ेगा इज इट ऑल्सो गोइंग टू इंपैक्ट द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वायबिलिटी टेल मी ट्रांसपोर्ट सेक्टर वायबिलिटी ये देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर विल बी वेरी कॉस्टली नाउ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स क्या सबसे बड़ी बात क्या इससे फिजिकल स्पेस गवर्नमेंट का कम हो जाएगा फिजिकल स्पेस ये देखिए अब अगर महंगाई कम करनी होगी तो सब्सिडी बढ़ाना होगा गवर्नमेंट को एग्री कर रहे हैं बताइए सब्सिडी तो बढ़ाना जरूरी पड़ जाएगा के केरोसिन पे और एलपीजी पे यस yes. सोचिए केरोसिन एंड एलपीजी पे सब्सिडी बढ़ाना जरूरी पड़ जाएगा एंड सब्सिडी बढ़ाने का मतलब होता है सरकार का बजट बिगड़ जाएगा डू यू एग्री फिजिकल स्पेस विल बी रिड्यूस्ड एंड बजट में भी बजट क्रेडेंशियल्स में गो डाउन ऑलरेडी बजट में फिजकल डेफिसिट ह्यूज चल रहा है ये देखिए ह्यूज चल रहा है फिजकल डेफिसिट ये देखिए स्टूडेंट्स एंड फिजिकल डेफिसिट और बढ़ जाएगा एग्री कर रहे हैं ना देखिए है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा इसका दाम बढ़ेगा उसका असर ये साफ साफ दिस ऑन द इंडियन इकोनॉमी मल्टीपल इंपैक्ट्स, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ड्रेनेज इन्फ्लेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एबिलिटी फिजिकल डेफिसिट ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ राइजिंग क्रूड प्राइसेज फर्स्ट इम्पैक्ट फॉर ड्रेन सेकेंड इंपैक्ट इन्फ्लेशन थर्ड इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट इंक्रीज फोर्थ इंपैक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर वायबिलिटी इन क्वेश्चन मार्क एंड फिफ्थ इंपैक्ट फिजिकल डेफिसिट राइज इंडियन एक्सप्रेस के उस पन्ने में आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है लुक स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के इस पेज में अभी ये दाम लास्ट ईयर से बढ़ने शुरू हुए हैं और इसी वजह से पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस रिकॉर्ड हिट किए थे एक सौ पंद्रह रुपए चला गया था पेट्रोल याद है बताइए मुझे मुझे तो याद है भाई ठीक है मुझे तो याद है कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा चले गए थे फिर द गवर्नमेंट हैड टू रिड्यूस द एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय रुपीज फाइव एंड रुपीज टेन ये देखिए उसके बाद अब देखिए और दाम बढ़ेगा आफ्टर 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 द द द इलेक्शंस गो आर फिनिश्ड उसके देखिएगा इफ 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 इट इंटरनेशनल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन ऑयल प्राइसेज इन इंडिया एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन रुपीज राइस एंड दैट इज बी ह्यूज ये देखिए तो यहां देखिए पुटअप किया गया और अगर सरकार को अपना एक्साइज ड्यूटी कम करना पड़ेगा तो टैक्स कलेक्शन पे असर तो सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में भी जाएगी एग्री कर रहे हैं ये देखिए रेवेन्यू डेफिसिट में भी जाएगी एंड फिजिकल डेफिसिट में भी जाएगी एग्री कर रहे हैं बताइए अब आप कहिएगा कि सर दस पंद्रह रुपए सर अगर कम कर देगी सरकार अगर अपने एक्साइज ड्यूटीज में तो सर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा यस और इसका मतलब है दैट स्टेट्स अगर वैट भी कम करें तो स्टेट्स स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी डिफिसिट राइज करेगा मीन्स हम लोग फंस गए इधर कुआं है इधर खाई है बीच में चल रहे हैं और तलवार की धार की तरह केवल एक पतली सी पतला सा एक रास्ता है एक सड़क है दोनों तरफ डेंजर है एक तरफ डेंजर है इन्फ्लेशन का एक तरफ डेंजर है फिजिकल डेफिसिट्स का आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट किधर जाए कैसे बैलेंस करें इट विल बी अवज हीटिक सिचुएशन फॉर द गवर्मेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखिए डिलेमा अब यहीं पे समझ में आ रहा है क्यों ऑल्टरनेटिव चाहिए होते हैं यहीं पे समझ में आ रहा है क्यों क्रूड ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी क्यों बहुत दिक्कत करती है यहाँ पे यही समझ में आ रहा है क्यों नहीं डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाया जाए इंडिया ने डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन कम किया था पिछले फाइव ईयर्स में मैं बता दूँ आपको एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के तहत वेरी लेस मनी वॉज पुट इन आर एंड डी इन ओ एन जी सी ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका काम होता है एक्सप्लोर करना न्यू ऑयल वेल्स एंड न्यू नेचुरल गैस वेल्स दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इसका शेयर मार्केट विल बी कमिंग डाउन लाइक एनी थिंग शेयर मार्केट और ध्यान दीजिए क्या क्या इंपैक्ट है क्या डिवाइड वाला इम्पैक्ट है जो क्रूड ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उनका ध्वस्त इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी ध्वस्त जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है उनका इकोनॉमी ध्वस्त जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है उनका इकोनॉमी बूम करेगा डू यू एग्री टर्मी क्योंकि प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा रेवेन्यू सऊदी अरब विल बी लाइक ओके क्या बात है यू बी लाइक ओके क्या बात है बिल्कुल चल रहा है वो और कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो इधर है इंपोर्टिंग कंट्रीज को <laughs> चाइना इंपोर्ट करता है ईरान से इंडिया इंपोर्ट क्यों नहीं करता ईरान से क्योंकि चाइना यूएस की बात नहीं मानता इंडिया यूएस की बात मानता है ठीक है <laughs> चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स तो इस पर एक सवाल तो बनता है एग्जामिन द एग्जामिन द इंपैक्ट्स ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस ऑन इंडियन इकोनॉमी इन द ठीक है ये देखिए यहां पे एग्जामिन द ध्यान दीजिएगा एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी इन द कंटेम्पररी सिनारी वर्ड वर्ड्स एग्जामिन द इंपैक्ट ये देखिए इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमी इन दंटेम्प्री सिनारियो टेन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड्स चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक ठीक है जो आज आया है इंडियन इकोनॉमी में ये देखिए सी फूड एक्सपोर्ट्स टू हिट रिकॉर्ड हाई इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू सी फूड एक्सपोर्ट्स क्या ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी सॉरी एक्वा कल्चर ब्लू रेवोल्यूशन के लिए क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन ब्लू रेवोल्यूशन ये देखिए एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर ये देखिए अलाइड सेक्टर एंड साथ में क्या ये इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज यस yes, ये देखिए स्टूडेंट्स प्राइस हाइक ऑफ व्हाट प्राइस हाइक मैंने बताया तो प्राइस हाइक फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या रशिया ब्लैकमेल नहीं कर सकता कंट्रीज को ठहरने सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है अक्रॉस द वर्ल्ड दर्ल्ड नहीं सप्लाई करेंगे ऑयल एक दो दिन के लिए रोक देते हैं देखते हैं क्या असर पड़ता है रशिया डेड दिस टू यूरोप इन टू थाउजेंड फोर यूरोप वॉज लाइक यार पाइपलाइन में तेल क्यों नहीं आ रहा है नेचुरल गैस क्यों नहीं आ रहा रशिया ने कहा ऐसी बंद कर दिया था किसी ने टैप ठीक है भूल गए थे यूरोप में हाहाकार मच गया था एक दिन के अंदर ध्यान दीजिएगा और उसका असर सोचिए एक दिन के अंदर आज की तारीख में मुझे एक चीज बता दीजिए क्या आपका जीवन बिना क्रूड के चलेगा मुझे बताइए क्रूड ऑयल भले आप आप खाते पीते नहीं हो लेकिन आप बाइक और कार चलाते हैं तो आप उसको चाहिए क्रूड ऑयल इंडस्ट्री एक बता दीजिए जो बिना क्रूड ऑयल के चलती हो या बिना नेचुरल गैस के चलती हो इंडिया इज गोइंग फॉर गैस ने, नेशनल गैस ग्रिड गैस बेस्ड इकोनॉमी बताइए उसमें दाम का असर पड़ेगा यस मीन्स तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कितनी वलनरेबल हो जाती है इकोनॉमी अगर पॉलिटिकल जियो में कुछ ना कुछ बाहर में कोल्ड वॉर छिड़ता है तो कहां यूरोप में ये बात चल रही है कहां इंडिया पे असर सोचिए सो दिस इज इट सो यहां पर देखिए अब आगे बढ़ते हैं सी फूड एक्सपोर्ट टू तो हिट रिकॉर्ड हाई सी फूड में भी क्या यानी एक्वा कल्चर ये देखिए एक्वा कल्चर में श्रिम्प झींगा का ये क्या कहते है हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ गया ये देखिए सो अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिपोर्ट्स द यूएस लीड्स यूएस में सबसे ज्यादा भेजा जा रहा है ये ये शेयर इन इंडियन एक्सपोर्ट्स देखिए तो इंडिया से एक्वा कल्चर हो रहा है श्रिंप एक्सपोर्ट्स हो रहा है एंड यूएस फोर्टी परसेंट इंपोर्ट कर रहा है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, इंडिया के ब्लू रेवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा एंड दिस एक्सपोर्ट्स एंड एक्वाकल्चर पर भी कुछ आएगा प्लीज डोन्ट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज प्लस वन प्लस टू मार्क्स ये देखिए ग्टेड स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ ये देखिए यू एफ टी ए इन फोर्स बाई मे फर्स्ट एवर विद डिजिटल चैप्टर टेन लैक जॉब्स एक्सपेक्टेड ऑल ऑफ यू नो सब कोई कह रहा है यू आई एफ टी ए का बहुत अच्छी बात है द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पर न्यूज आता रहेगा ठीक है लेकिन आज साथ में एक और न्यूज आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये वही न्यूज है स्टूडेंट्स जो कल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से पिकअप किया था इंडिया के अर्लियर एफ टी ए क्या मैंने डिस्कस किया था चन्नी इंडिया के अर्लियर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है लग रहा है कि यूएई वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया के फेवर में जाएगा ट्रेड डिफिसिट का मतलब क्या होता है जिन देशों से हमने एफटीएस साइन किया आज तक उन देशों के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में रन कर रहे हैं दैट इज आवर इंपोर्ट्स आर मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स ये देखिए आवर इंपोर्ट्स आर मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स सो वाई इज दिस दैट वी आर डिस्कसिंग इट आउट क्यों क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ट्रेड डेफिसिट इन स्पाइट ऑफ अ मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट विद विदीज कंट्रीज स्टिल दीज एफटी एज वर प्रॉफिटेबल फॉर इंडिया द लॉन्ग द रन क्यों आइए देखते हैं क्यों वाई वर दीज एफ टी एस प्रॉफिटेबल क्यों ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेरे हिसाब से आपको पता ही है कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस करना है ठीक है बरियस रिड्यूस करने टैरिफ बरियस रिड्यूस करने दोनों देशों को एक दूसरे के गुड्स के ऊपर दैट्स इट अब यहां पर क्यों फायदेमंद थे ये एफटीएस आइए लिखा हुआ है बहुत सटीक पॉइंट है मीन में बहुत हेल्प करेगा आपको ठीक है एक एफटीए के फायदे क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं यहां लिखा हुआ है वट आर दिस एडवांटेजेस ऑफ ऑफटीए इन इनडायरेक्ट एडवांटेजेस फर्स्ट डज दिस अलाउ इंटीग्रेशन इन द सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स क्या ये दिस uh, आइए देखते हैं यहां पे लिखते हैं इस जगह पे टू मिनट्स जगह ही नहीं आज ठीक है लिखिए पहला पॉइंट इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन क्या एफ के कारण ये होता है मुझे बताइए ये।, ये पहला पॉइंट देखिए एग्री कर रहे हैं यस yes, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो इंटीग्रेशन होगा ना भाई यस yes, होगा uh, जो है साउथ कोरिया के साथ इंटीग्रेट हुआ है हमारा सप्लाई चेन जापान के साथ इंटीग्रेट हुआ है कुछ तो हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं यस सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट सम इंडस्ट्रीज टेक एडवांटेज ऑफ इट सम इंडस्ट्रीज टेक एडवांटेज एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एफ इंडिया ने जो साइन किया था इन कंट्रीज के साथ में ये देखिए साउथ कोरिया के साथ में जापान के साथ में आसियान कंट्रीज के साथ में एफ टी में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी थे तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में तो इंडिया नेट इंपोर्टर है यस बट स्टिल डिड दीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डू दीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव अ रोल टू प्ले इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मुझे बताइए क्या यही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है और क्या इंडिया ग्लोबल सॉफ्टवेयर पावर हो गया मुझे बताइए बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहां पे ट डोंट ओनली सी ट्रेड डेफिसिट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट हैज हेल्प इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट राइज अप लाइक एनीथिंग। यस एंड दिस सिग्निफाइज दैट सब कुछ खराब नहीं है इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में ये सब कुछ खराब सोच के चल रहा है। नो नॉट एट ऑल वी आर द नेट अर्नर्स इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और यही वजह है कि बहुत बड़ी बात यहां लिखती गई यही वजह आप ये पुट अप कीजिएगा पॉइंट अगर कोई पूछेगा एफटीए के एडवांटेजेस क्या है पुटअप कीजिएगा यू आर गोइंग टू यू आर बाउंड टू गेट प्लस टू मार्क्स आउट है ये एक ये एक वैल्यू एडिशन है जो कोई लिख नहीं रहा होगा बहुत कम लोग लिखेंगे इन द पेपर तो ये ये दो चीजें हैं एफटीए के फायदे क्या हैं इसके अलावा एफटीए के और भी फायदे हैं स्टूडेंट्स दैट दिस एफटीए के घाटे हैं कुछ देखिए लिखा हुआ है न ऑफ द बिगेस्ट डिस एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर डंपिंग ऑफ गुड्स डू यू एग्री इन लीगल डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्राम थर्ड कंट्रीज ओरिजिनेटिंग फ्राम थर्ड कंट्रीज यानी इंडिया आसियान एफ टी ए में चाइना से ओरिजिनेट करके आ रहे थे गुड्स डू यू एग्री यही बस एक चिंता की बात है थर्ड कंट्री यानी कि चाइना से बन रहे चीजें और उस पर लेबल लग जा रहा है मेड इन मालदीव मेड इन आसियान और उसके बाद इंडिया में डंपिंग इसी को कहते हैं तो एफ के कुछ फायदे एफ के दो एक्स्ट्रा फायदे आपने देखे इस आर्टिकल से एफ के कुछ घाटे देखे आपने डंपिंग ऑफ गुड्स यू कैन सीट हियर और देखिए यहां लिखा हुआ है दैट दिस डंपिंग ऑफ गुड्स प्रिवेंट करने का एक तरीका होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन ये आ सकता है सवाल विथ विच फील्ड इज द रूल्स ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट रिलेटेड इट्स रिलेटेड टू एफ टी ए रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है नियम सेट करना की वाकई में यह गुड आपके यहां असेंबल हुआ है या बनाया गया है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा असेंबल करने में और बनाने में फर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग आर टू डिफरेंट पॉइंट तो रूल्स ऑफ ओरिजिन मैंडेट दैट द कंट्री शुड मैनुफैक्चर द गुड आउट देर उसी देश में इट शुड नॉट असेंबल इट क्योंकि चाइना यही करवाता था अपने यहां से गुड्स बना दिया भेज दिया मलेशिया भेज दिया मालदीव भेज दिया इंडोनेशिया वहां पे असेंबलिंग करवा दिया और भेज दिया इंडिया इट गेटिंग द पॉइंट रूल्स ऑफ ओरिजिन किस फील्ड से रिलेटेड है तो यही आज का न्यूज था स्टूडेंट्स ये देखिए केवल यही सब टॉपिक्स जो आप देख सकते हैं वी वन टू सी वॉट वीट वी सॉ ये क्रूड ऑयल हायर ऑयल प्राइसेस हिटिंग द इंडियन इकोनॉमी ये क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ठीक है सेकेंड पॉइंट यू एफ टी ए के यू टी एफ टी ए के क्या फायदे और घाटे हैं दो एक्स्ट्रा पॉइंट फायदे में एक घाटे एक डिसडवाटेजेस में एक्स्ट्रा पॉइंट ठीक है एंड रूल्स देखिए मैन्यूफैक्चरिंग एंड असम्बलिंग का मैं फर्क बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा इवन इन इंडिया ह्यूंडाई कंपनी आपने सुना होगा ह्यूडाई मोटर्स ठीक है इसके मैक्सिमम पार्ट साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चर होते थे इसकी असेंबलिंग प्लांट बेंगलोर के पास में थी बेंगलोर एंड चेन्नई कॉरिडोर पर तो वहां से मशीन आया इंजिन आया ठीक है अलग अलग चीजें आई सब पार्ट आई और यहां आकर बॉडी यही बनाया गया ठीक है और उसके अंदर मशीन लगा दिया इंजन लगा दिया गया म वॉज हैपनिंग विदू व्हीदर इंडस्ट्री इन द पास्ट इसे कहते हैं असेंबलिंग मशीन सब पार्ट्स कहीं और बन रहे हैं, यहां आकर केवल एक जगह असेंबल किया जा रहा है ठीक है अब ध्यान दीजिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है यहीं पर वो सब पार्ट्स बन रहे हैं मशीन इंजिन सारी चीजें बन रही है एक एक चीज यहीं बन रहा है और फिर असेंबल किया जा रहा है इसीलिए ध्यान दिया होगा आपने जो भी असेंबल्ड चीजें होती है ना उसके पार्ट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और एंड दिस इज द रीजन दैट असेंबलिंग एंड असेंबलिंग इज द इजिएस्ट वे टू गेट एंट्री इन टू अदर कंट्री जैसे इंडिया ने मलेशिया से चाइना चाइना कहेगा चाइना की कंपनी कहेंगी चलो मलेशिया चलते हैं वहां एक असेंबलिंग प्लांट स्टेब्लिश करते हैं चाइना से वो सब पार्ट्स मंगाएंगे वहां असेंबल करेंगे ट्रांजिस्टर बनाएंगे मोबाइल फोन बनाएंगे पड़ेगा मेड इन मलेशिया और इंडिया में आ जाएगा आई होप गेटिंग द पॉइंट। तो वी ऑल्सो सॉ सी फूड एक्सपोर्ट्स ब्लू ए रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर एक्सपोर्ट्स एक्वाकल्चर। वी ऑल्सो सॉ दिस यूक्रेन क्राइसिस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया वी ऑल्सो सॉ स्टूडेंट बिफोर दिस दिस आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एंड वी ऑल्सो सॉ चार चिनारी आईलैंड इन दल लेक एंड इस खत्म बंद दिस खत्म बंद डेकोरेटिव ज्योमेट्रिकल वुड वर्क पैटर्न ऑन द सीलिंग्स ऑफ कश्मीर हाउसेस ये देखिए तो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग रहा सेशन बता दीजिएगा मुझे तो धन्यवाद आज स्टूडेंट्स आज के लिए और मिलते हैं सवा नौ बजे के आसपास नाइन फिफ्टीन पे एग्जैक्ट अन एकेडमी ऐप पर आज एडिटोरियल डिस्कशन होगा ठीक है एडिटोरियल डिस्कशन आज अन एकेडमी ऐप पर होगा नाइन फिफ्टीन पर मैं लिंक शेयर करूंगा लिंक शेयर होगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुराग सिंह ये देखिए सो द क्वेश्चन माइट कम अप दैट सर क्या ये सफिशियंट है करंट अफेयर सफिशियंट है चार न्यूज़ पेपर्स को निकाल कर यहाँ पुट कर रहे हैं आपके सामने इट्स सफिशियंट ये देखिए ठीक है, यस मैं सम uh, सीरीज uh, वापस स्टार्ट होंगे चिंता मत कीजिए ठीक है so सो दैट्स इट नमस्कार स्टूडेंट्स नमस्कार एंड uh, जय हिंद मिलते हैं नाइन फिफ्टीन पर एडिटोरियल डिस्कशन में अन अकेडमी ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास ठीक है लेट्स एंड द सेशन ओके